नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलीपेज जो बहुपेज प्रणाली पढ़ी थी उसके अगले चैप्टर की ओर रुख करते हैं। जैसे कि पिछला चैप्टर में अपन ने एक फेज की जगह थ्री फेज सप्लाई क्यों यूज में ली उसके बारे में पढ़ा, कौन कौन सी क्वेश्चन इस चैप्टर में से अपने एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन भी अपन ने पढ़े थे। अब अपन आज आगे पढ़ते हैं। देखो, भार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसको कहते हैं संतुलित भार, और एक होता है असंतुलित भार। जैसा कि पहले अपन एक चीज को पढ़ लेते हैं कि संतुलित और असंतुलित होता क्या है। यदि अपने तीनों फेजों के ऊपर भार समान लगा हुआ है, मान लो 90-90 वाट भार लगा हुआ है, तो उस भार को अपन संतुलित भार कहते हैं। कहने का मतलब तीनों के ऊपर समान भार लगा हुआ है। और वही यदि तीनों फेजों के ऊपर, यदि मैं एक के ऊपर 90 लगा दूं, एक के ऊपर 110 लगा दूं, एक के ऊपर 300 लगा दूं, यदि ऐसा भार हो तो उसको अपन असंतुलित भार कहते हैं। तो दोस्तों, अपन पढ़ क्यों रहे हैं इसका कारण थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको समझ में आएगा। संतुलित और असंतुलित भार के कारण क्या होता है, कई चीज़ें होती है वो प्रभावित हो जाती है। प्रभावित कैसे होती है, यदि संतुलित होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि स्टार कनेक्शन जो अपन करते हैं, जो मैंने कल भी आपको बताया था और आज एक बार और बता रहा हूँ कि स्टार कनेक्शन जो अपन करते हैं उसमें अपन तीन तो फेज निकाल लेते हैं और एक न्यूट्रल निकालते हैं। यदि स्टार कनेक्शन है और उसमें संतुलित भार है, यदि संतुलित भार है और स्टार कनेक्शन है, तो अपने को यदि न्यूट्रल के अंदर धारा पूछी जाए तो उसका मान शून्य होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि तीनों फेजों पर भार समान है तो न्यूट्रल में धारा का मान क्या होगा, तो उस स्थिति में अपने को बताना है शून्य होगा। दूसरी चीज, डेल्टा कनेक्शन में चाहे भार संतुलित हो या असंतुलित हो उसका उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टार कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों पड़ता है वो चीज़ मैं समझा देता हूँ। यदि भार असमान है, यदि तीनों फेजों पर भार असमान है, यदि ऐसी स्थिति रहती है तो न्यूट्रल में धारा चलती है। अब ये धारा चलती है तो ये अनावश्यक धारा है। कारण क्या होता है कि भाई जैसे मैंने यहाँ लाकर बिजली छोड़ दी, तीन घरों को अलग अलग दे दी, हो सकता है ये घर वाला किस समय टीवी चला रहा है, ये किस समय चला रहा है। अब उसको जाके तो मैं कहने से रहा कि भाई तू इस समय ये चीज़ चला, भाई जाके तो कहने से रहे कि भाई ये चीज़ इस समय चलो, ये चीज़ इस समय चलो, तो इस कारण से क्या होता है, भार असंतुलित हो जाता है। और जो अपने घरेलू कनेक्शन के लिए जो थ्री फेज सप्लाई लेते हैं और जो सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसको अपन स्टार कनेक्शन में जोड़ते हैं। स्टार में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने को न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। अब न्यूट्रल में करंट चलेगी तो क्या होगा, नुकसान होगा, और नुकसान से बचने के लिए हमेशा यदि अपने को ये पूछा जाए कि न्यूट्रल में धारा चल रही है तो उससे बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो जो न्यूट्रल पॉइंट अपना रहता है उसको हमेशा अर्थ कर देते हैं। अर्थ का मतलब जमीन से जोड़ देते हैं। ये होता है संतुलित और असंतुलित भार के अंदर अंतर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संतुलित भार है तो न्यूट्रल में धारा कितनी होगी, तो शून्य होगी और तीनों फेजों में बराबर होगी। यदि असंतुलित होगी तो तीनों फेजों में भी धारा अलग अलग होगी और न्यूट्रल में भी करंट चलेगी, और न्यूट्रल में करंट चलेगी तो उसका नुकसान क्या होगा, तो नुकसान से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, उस न्यूट्रल बिंदु को हमेशा जमीन से जोड़ देते हैं। अब आता है, आगे अपन चलते हैं, शक्ति मापन की विधि आती है। थ्री फेज प्रणाली में शक्ति मापन की तीन विधियां निजात की गई है। शक्ति मापन की विधियां में नंबर एक आता है
एक वाट मीटर विधि, नंबर दो आता है तीन वाट मीटर विधि, और नंबर तीन आता है दो वाट मीटर विधि। अब इस तीनों विधियों का अपन अलग अलग जगह यूज में लेते हैं। कौन कौन सी जगह यूज में लेता है तो उसकी एक छोटी सी चीज है, एक वाट मीटर विधि। इसमें क्या होता है, केवल एक ही वाट मीटर लगता है। तीन वाट मीटर होती विधि होती है उसमें तीन वाट मीटर लगते हैं, और दो वाट मीटर विधि होती है उसमें दो वाट मीटर लगते हैं। इस विधि का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, और इस विधि का उपयोग अपन कहाँ करते हैं। इस विधि का उपयोग, एक वाट मीटर जो विधि होती है उसका अपन उपयोग हमेशा संतुलित भार में करते हैं। संतुलित भार और प्लस में स्टार कनेक्शन। इस तीन जो वाट मीटर होती है विधि होती है उसका अपन असंतुलित भार में करते हैं, और कौन सी कनेक्शन में लेते हैं, स्टार कनेक्शन। दो दो वाट मीटर विधि होती है उसका अपन उपयोग करते हैं, स्टार हो चाहे डेल्टा हो, चाहे भार संतुलित हो चाहे असंतुलित हो। सभी जगह दो वाट मीटर विधि का अपन उपयोग में लेते हैं। अब उपयोग में कैसे कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले अपन एक वाट मीटर विधि जिसका अपन संतुलित भार और स्टार कनेक्शन में उपयोग करते हैं उसका मैं चित्र बना के आपको बता देता हूं। जैसा कि ये मेरी वाइंडिंग है वो स्टार में जुड़ी हुई है, तीन पेज होते हैं। ये मेरा U1 हो गया, ये U2 हो गया, V2 हो गया, V1 हो गया, W2 हो गया, ये W1 हो गया, तीन फेज हो गए। और एक मेरा यहाँ से न्यूट्रल आ गया, U, V, N और ये W। फेज क्रम मैंने कल बता ही दिया था। यदि एक वाट मीटर होती है उसमें आप कोई से ही फेज में कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे U में कर सकते हैं, V में कर सकते हैं, या W में कर सकते हैं। जैसे मेरे को V में करने के लिए कहे तो मैं क्या करूँगा, करंट कोयल को तो इस फेज के श्रेणी क्रम में लगा दूंगा, और प्रेशर जिसको अपन दाब कुंडल कहते हैं उसको एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य जोड़ दूंगा। ये तो हो गई अपनी एक वाट मीटर विधि। दूसरी, इसमें अपन शक्ति कैसे मापते हैं, तो जो एक इस वाट मीटर की जो रीडिंग आती है, जैसे मान लो इसने रीडिंग बताई 350 वाट। यदि कुल शक्ति ज्ञात करनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार गलत कर देते हैं बच्चे, तो कुल शक्ति ज्ञात करनी है तो वाट मीटर का पाठ्यांक इंटू तीन, मतलब जो भी रीडिंग आती है उसको तीन से गुणा कर लेते हैं, तो अपनी कुल शक्ति इस परिपथ की कितनी थी वो अपने को बता देता है। अब अपन आगे चलते हैं। जिसका नाम है तीन वाट मीटर विधि। तीन वाट मीटर विधि में क्या करते हैं, ये मेरे तीन फेज हो गए, U1,
यू टू वी टू वी वन डब्लू टू डब्लू वन और ये आ गया न्यूट्रल यू वी और डब्लू। करंट कोयल को तो तीनों फेज झुके श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, प्रेशर कोयल होती है ये अपना वाट मीटर एक हो गया, ये वाट मीटर दो हो गया, ये वाट मीटर तीन हो गया। प्रेशर कोयल को एक तो फेज और एक सीधा ये जो तार जाता है अपना न्यूट्रल के अंदर, इसका भी तार सीधा एक न्यूट्रल में और एक फेज के साथ, इसका भी एक फेज के साथ और एक सीधा न्यूट्रल। इस में यदि अपने को कुल शक्ति ज्ञात करनी है परिपथ की तो अपन क्या करेंगे, W1 की रीडिंग प्लस W2 की रीडिंग प्लस W3 की तीनों की रीडिंग को यदि जोड़ देते हैं तो अपने पास कुल शक्ति खपत आ जाता है। तो ये सूत्र इस विधि में लगता है। अब अपन तीसरी और महत्वपूर्ण जो विधि है वो है दो वाट मीटर विधि। दो वाट मीटर विधि इसमें क्या होता है, दो वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये एक वाइंडिंग है डेल्टा कनेक्शन में W1, W2, V1, V2, U1, U2, ठीक है। यहाँ से तीन फेज अपने पास आ गए, न्यूट्रल इसमें होता नहीं है डेल्टा परिपथ में। इसमें अपन क्या करते हैं कि दो फेजों में तो करंट कोयल लगा देते हैं, W हो गया, ये U हो गया और ये V हो गया, और प्रेशर कोयल को दो फेजों के मध्य अपन जोड़ देते हैं। इस विधि को अपन दो वाट मीटर विधि कहते हैं। ये वाट मीटर एक हो गया और ये वाट मीटर टू हो गया। इस विधि में शक्ति मापन का जो सूत्र लगता है वो होता है टेन थीटा बराबर अंडर रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू अपॉन डब्लू वन प्लस डब्लू टू। ये अपने इस विधि में शक्ति खपत का सूत्र लगता है। अब इस विधि में तीन चार स्टेप होती है कि पावर फैक्टर के मान पर इन वाट मीटरों की जो शक्ति खपत होती है वो निर्भर करती है। जैसे मान लो कि पावर फैक्टर का मान एक है, यदि पावर फैक्टर का मान एक है इस विधि में क्या होता है कि दोनों जो वाट मीटर होते हैं वो रीडिंग प्रदर्शित करते हैं और दोनों की यदि कुल शक्ति खपत निकालनी है तो उसके लिए अपन सूत्र लगाते हैं W1 प्लस W2। यदि वाट मीटर पावर फैक्टर का मान एक है इस स्थिति में दोनों वाट मीटर रीडिंग प्रदर्शित करते हैं और जो रीडिंग होती है वो दोनों वाट मीटरों की रीडिंग आपस में जुड़ जाती है और दोनों जो वाट मीटर होते हैं उनकी जो रीडिंग होती है वो समान होती है, चाहे इसकी 50 है तो इसकी भी 50 होगी। यदि ऐसा कोई चीज़ आ जाए कि दोनों की रीडिंग समान आ रही है उस स्थिति में हम मानेंगे कि पावर फैक्टर का मान एक है। यदि पावर फैक्टर का मान 0.5 से ज़्यादा और एक से कम है,
इस स्थिति में क्या होगा? यदि पॉइंट पाँच से ज़्यादा और एक से कम है तो इस स्थिति में दोनों वाट मीटर रीडिंग तो प्रदर्शित करेंगे लेकिन दोनों वाट मीटर अलग अलग रीडिंग प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये 55 करेगा तो ये 50 करेगा। इसमें क्या था कि रीडिंग तो दोनों ही प्रदर्शित करेंगे लेकिन दोनों बराबर रीडिंग प्रदर्शित करेंगे। यदि बराबर है तो पावर फैक्टर का मान एक है, यदि दोनों के असमान रीडिंग है और धनात्मक है दोनों के तो इसका मतलब है पॉइंट पाँच से एक के बीच में पावर फैक्टर और सूत्र लगेगा W1 प्लस W2 दोनों का योग अपने पास हो जाएगा। यदि पावर फैक्टर का मान पॉइंट पाँच है इस स्थिति में क्या होगा कि भाई पावर फैक्टर का मान पॉइंट पाँच से या बराबर पॉइंट पाँच है तो इस विधि में क्या होगा? तो इस विधि में एक जो नंबर वन वाट मीटर रहेगा वो तो शून्य प्रदर्शित करेगा, मतलब जीरो रीडिंग प्रदर्शित करेगा, और वाट मीटर दो है वो पूर्ण रीडिंग प्रदर्शित करेगा, और उसकी जो कुल पावर खपत होगी वो कितनी होगी? जो W2 पड़ेगा। यदि ये क्वेश्चन पूछ ले एक वाट मीटर शून्य रीडिंग प्रदर्शित कर रहा है और एक वाट मीटर रीडिंग प्रदर्शित कर रहा है, यदि ऐसी स्थिति है तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में पावर फैक्टर का मान पॉइंट पाँच होगा। यदि पावर फैक्टर का मान जीरो या पॉइंट पाँच से कम है, यदि जीरो या पॉइंट पाँच से कम है इस स्थिति में एक वाट मीटर उल्टी दिशा में रीडिंग प्रदर्शित करेगा, मतलब ऋणात्मक रीडिंग प्रदर्शित करेगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक वाट मीटर ऋणात्मक रीडिंग प्रदर्शित कर रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में पावर फैक्टर का मान जीरो से पॉइंट पाँच से कम होगा, या तो जीरो से ज़्यादा और पॉइंट पाँच से कम होगा। उस स्थिति में एक वाट मीटर तो ऋणात्मक मतलब नेगेटिव रीडिंग दर्शाएगा और दूसरा वाट मीटर कुल रीडिंग प्रदर्शित करेगा। कुल यदि अपने को निकालना है तो उस दूसरा जो वाट मीटर है उसकी या तो करंट कोयल के सिरे बदलने पड़ेंगे या प्रेशर कोयल के आप सिरे बदल सकते हैं। अधिकतर प्रेशर कोयल के अपन सिरे उसमें चेंज करते हैं। यदि पावर फैक्टर का मान शून्य है, यदि ऐसी स्थिति है तो क्या होगा? यदि शून्य है पावर फैक्टर का मान तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग शून्य होगी। पावर फैक्टर का मान शून्य होगा तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग भी शून्य होगी, और इस स्थिति में दोनों वाट मीटर शून्य शून्य प्रदर्शित करेंगे। तो ये दो वाट मीटर विधि होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि एक पावर फैक्टर होगा तो क्या होगा, पॉइंट पाँच से एक होगा तो क्या होगा, पॉइंट पाँच होगा तो क्या होगा, पॉइंट पाँच से कम है तो क्या होगा, शून्य होगा तो क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने पास इस विधि में